द्वारका रामलीला महोत्सव में आए सभी अतिथियों का रामलीला के अध्यक्ष मुकेश सिन्हा व कमेटी के सदस्यों के द्वारा पट्टे व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। बहुत अच्छी है मेरी दिल के राजा द्वारका क्यों बोले, दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति श्री वीपी टंडन जी अपनी सपत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिसेज वंदना टंडन के साथ यहाँ पधारे हैं, जो हमारे टीम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और टंडन साहब हमारे पैट्रॉन हैं। जोरदार तालियों से उनके मंच पर स्वागत करें। श्री वी के आजाद जी से मक्का पहनाकर श्री टंडन जी का स्वागत करें। तो स्वागत करें और आज के मौके पर मोमेंटो देकर स्वागत कीजिए। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा पवन कहल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से श्री प्लीज सर पीछे हो रहे मनोज, पीछे पीछे करो, पीछे हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि एसीपी मिस्टर एंटो अल्फांस हमारे बीच आ गए, गुरुदार तालियों से स्वागत करें। और उनके साथ एसीपी श्री राजेंद्र सिंह जी भी हैं। हम थैंक यू वेरी मच, मैडम इधर तक सर इधर को करो, इधर इधर। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना लो ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड ब्लेसिंग अस ऑन दिस ओकेजन ऑफ रामलीला। थैंक यू। हमने बात की आए द्वारका रामलीला महोत्सव में अतिथियों से। रामलीला में हमारा द्वारका पूरा डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 40 के आसपास रामलीला चलता है। ये में हमारा द्वारका स्पेसिफिक सब्सिडी का ये 3 रामलीला, बड़ा रामलीला सेक्टर 10, 11 और 13 वो इसमें। और एक इसमें हम हमारा मुताबिक 4-5 टाइप अरेंजमेंट लगाए हुए हैं। पहले टाइप है वो जो क्राउड मैनेजमेंट टाइप अरेंजमेंट है। और क्राउड मैनेजिंग अरेंजमेंट के लिए हमारा वॉलंटियर्स आप लोग ये जो रामलीला कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजर्स है इनके साथ है, वॉलंटियर्स है प्लस इनको सिक्योरिटी गार्ड्स है, इनका बाउंसर्स है उनके साथ, हम भी हमारा पुलिस भी मदद करके उसको प्रॉपर तरीके में क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगे हुए हैं। नंबर 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज द फ्रिस्किंग चेकिंग अरेंजमेंट दैट यू सी इन अलॉन्ग द DFMDs। आई मीन इन दिस वे वी हैव पुट इन प्लेस जो 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज दैट इज पब्लिक एंट्री एंड VIP एंट्री। उसमें प्रॉपर तरीके में फ्रिस्किंग चेकिंग हो रहा है उसको, जैसे लाइक प्रॉपर व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज एनीबडी हु इज कैरिंग एनीथिंग दैट सस्पिशियस विल नॉट बी एबल टू एंटर द वेन्यू, ऐसे कर रखे। और तीसरा हमारा एंटी टेरर अरेंजमेंट्स है प्लस पार्किंग अरेंजमेंट्स और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी करवा रखे। इसमें लगभग एक एक रामला, बड़ा बड़ा रामला में लगभग अराउंड 100-125 के आसपास आदमी डिप्लॉयड है। बाकी छोटा रामलीला में वॉलंटियर्स के साथ हमारा 10-20 के आसपास पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है। इसमें CCTV इम्पोर्टेंटली हर एक रामलीला में मेन वेन्यूज में 25-30 के आसपास है CCTV का, लोकल ऑर्गेनाइजर का मदद की वजह से लगे हुए हैं।
उसका कंट्रोल रूम में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, हम पुलिस भी चेक करते रहते हैं और उसके अंदर ये जो कंट्रोल रूम है हमारा आदमी भी बैठते रहते हैं। सो उसमें जो भी सस्पिशियस दिखाई दे रहा है इमीडिएटली इन्फॉर्म कर लेते हैं, पुलिस भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और लोकल वॉलंटियर्स भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, मैंने तो अभी स्टेज पर भी यही कहा कि ये रामलीला हटकर है, क्योंकि जो रामलीला का मंचन हो रहा है, जो भी मैंने अभी केवट जी का और श्री राम श्री लक्ष्मण सीता जी का जो अभी संवाद सुने चौपाइयों के साथ, इतना अच्छा मंचन हो रहा है कि हम भाव विभोर हो गए उसको देखकर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि द्वारका में बड़े स्केल पर जो तीन ये रामलीला हो रही हैं इनमें और द्वारका में और जो रामलीला हो रही है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन और बड़ा अच्छा सुरक्षा व्यवस्था और बहुत अच्छा आने जाने का इंतजाम है। और मेरे को कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो ये मैनेजमेंट कमेटी है श्री द्वारका रामलीला महोत्सव की, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो वॉलेंटियर हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक और भी रामलीला महोत्सव आप आए और यहाँ पे आपका सम्मान भी हो तो यहाँ पे आना चाहिए, जैसे मुकेश जी और सिन्हा जी ने इतना अच्छा यहाँ पे यहाँ रखा रामलीला। सबसे पहले तो मैं द्वारका रामलीला महोत्सव और उनके आयोजक सुधा सिन्हा जी और मुकेश सिन्हा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, और विशेष तौर पर पूरी कमेटी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये सम्मान दिया। और द्वारका उपनगरी में हमारी संस्कृति को, हमारी मान्यताओं को इन्हीं लोगों ने तो जीवित रखा हुआ है। ये समाज को जोड़ने का भी तो एक माध्यम है रामलीला, और बच्चों के लिए ये उत्सव का माहौल है, उनके लिए मनोरंजन का साधन है, उनके लिए एक दूसरे से मिलने का और सामाजिक अच्छाइयों को जानने का भी उनके लिए एक अवसर है हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए। देखिए रामायण तो रामलीला अपने आप में एक मैसेज का माध्यम है, और रामायण हमें एक आदर्श जीवन जीने की पद्धति सिखाती है, और रामलीला जो प्रत्येक वर्ष होती है वो उसका एक माध्यम है, जिसको यदि आम व्यक्ति अपने जीवन में अपने आचरण में लेता है तो उसको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो ये सिखाया तो उसको समाज में वही उचित सम्मान मिलता है। और विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूँगा केपी तोमर जी का, आज़ाद तोमर जी का और आप लोगों का, जो आप लोगों के माध्यम से घर बैठे लोग रामलीला को तो देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप लोग द्वारका की समस्याओं को भी उजागर करते हैं और जिसको बड़े अधिकारियों तक और वहाँ पहुँचा के उसका समाधान भी करते हैं। तो हर खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।